हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 43 लेकर आए हैं, और यह वर्कशीट आपका 13 अक्टूबर 2020 के लिए है। और आज आपका राजनीतिक विज्ञान में जो एक राजनीतिक दल चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके साथ मैंने आपको सॉल्यूशन टाइप करके बहुत अच्छे तरीके से बेहतर वे में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ और दिया हूँ, ठीक है? तो आइए इसे डिस्कस करते। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? तो एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। अर्थात राजनीतिक दल वो होते हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के और सत्ता प्राप्त करने, अर्थात जैसा कि आप अपने देश में देख रहे हैं, अपने देश में मेजोरिटीज बेसिकली दो पार्टी है, एक तो कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी पार्टी। जो वो पार्टी हमेशा क्या करती है, जो सत्ता पाने के लिए जो है ना क्या करती है, जो है ना चुनाव लड़ती है और राजनीतिक दल कहलाती है, ठीक है? राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं, सक्रिय नेता, अनुयायी या समर्थक होते हैं। राजनीतिक दल के मुख्यतः तीन जो है ना हिस्से होते हैं। सक्रिय नेता होते हैं जो सक्रिय रहते हैं, जो हमेशा वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सक्रिय नेता हैं, अनुयायी है या फिर समर्थक है। हम लोग क्या है? समर्थक हैं। तो राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य है इसको डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर वे में करना है दोस्तों। चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना। अब चुनाव लड़ती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे देश में हर एक 5 साल पे जो है ना एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, ताकि लोकतंत्र की जो स्तंभ है, लोकतंत्र की जो डिमांड है हमारे संविधान में जो बताया गया है, जो लोकतंत्र में सब समान है। और जैसा कि आपने सुना होगा, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया था, जो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। उसके माध्यम से जो है ना क्या होता है, चुनाव लड़ना, और क्या होना चाहिए, लड़ने के पश्चात बाद जो है ना क्या वो राजनीतिक पार्टियां जो है ना क्या हो करे लोकतंत्र को बचाए रखे, और लोकतंत्र के अनुसार जनता के हित के लिए वो क्या करे, काम करे। तो चुनाव लड़ना, और यह जनता में अधिकार होता है, जो अगर वो प्रेजेंट सरकार अगर जो 5 साल तक काम नहीं करे तो उन्हें क्या करे, वो कुर्सी से हटा देती है जनता, ठीक है? अब देखिए, सरकार बनाना तथा चलाना, और क्या करते, देखिए हमारी राजनीतिक दल क्या करते, सरकार बनाते हैं। सरकार में आप देखने देखा होगा, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्री होते हैं, ये सारे हमारी राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और फिर लोकतंत्र में और संविधान के अनुसार चलते हैं। अब उसके बाद विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका कौन निभाता है? पहली बात तो विपक्ष की भूमिका जो है ना वो हारी हुई पार्टी निभाती है, जिसका बहुमत सबसे अधिक होता है। सपोज डेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो 2019 का, जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, ठीक है, इसमें मान लिया जाए 230 200 ये एक सेकेंड, इसमें 340 जो है ना बीजेपी को सीट मिली। किसको? बीजेपी को। और जो कांग्रेस की सीट थी वो 150 मान लीजिए, ठीक है, कांग्रेस एनसीपी, नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो इनका 150 था। तो इन कंटेक्स्ट में आप कह सकते हैं, जो मेजोरिटी में जो है ना सबसे पहले बीजेपी है, तो बीजेपी सरकार बनाएगी और उसमें विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाएगी, ठीक है? तो आप सर, अब उसके बाद देखिए, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थात कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि वह कानून बनाती है, जैसे कि जीती हुई पार्टियां और हारी हुई पार्टियां के जो सांसद होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं हमारे देश में, उसमें जो है ना क्या होता है, कानून बनते हैं, और कानून बनने के पश्चात फिर वो उसे पारित किया जाता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कृषि बिल, कृषि बिल क्या है, कृषि बिल जो है ना लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और ये कृषि बिल लागू हो गया। तो इस प्रकार से कृषि बिल एक ऐसा कानून है, तो अर्थात वो क्या कर रही है, जो हमारी जीती हुई पार्टी है वो कानून बनाती है, और वो जनता के हित के लिए होती है, और जनता की उत्थान के लिए जो है ना, लोगों की भलाई के लिए होती है। तो कानून बनाएगी, अगर हम मान लीजिए कोई अपराध कर रहा है, तो अपराध को, अपराधियों को सजा देने के लिए भी कानून का प्रावधान है। तो उस कानून के अनुसार क्या होता है, वो राजनीतिक पार्टियां ही कानून बनाती हैं, ठीक है? जन जनमत का निर्माण, अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनमत का निर्माण कराते हैं, अर्थात जनते का मत को जो है ना क्या करती है, वो
मतलब उससे भरोसा दिलाती है, जो मैं आपको क्या करूंगा, इस एरिया को, रोड को ठीक कराऊंगा। मतलब उनके जो डिमांड है, जैसे केजरीवाल का आपने सुना होगा, केजरीवाल जब जन के जनता का मन, जनमत का निर्माण करते, अर्थात जनता के मन की बातों को जब वो कहते हैं, जो हम बिजली फ्री देंगे, हम उसके बाद एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो पानी भी फ्री देंगे, ठीक है, हम महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए, तो ये सारी उनकी जो है ना, क्या हो, राजनीतिक दल के कार्य है, जो अपने आप को अस्तित्व में रहने के लिए, सरकार में रहने के लिए वो क्या करती है, इस तरह के जनता के मन को क्या करती है, और जनता के हित के लिए काम करती है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है इसमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है, पहला। उसके बाद प्रतिनिधि पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के लिए, अर्थात देखिए प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की व्यवस्था, अर्थात जो एक पार्टी है, पार्टी विशेष का जो प्रतिनिधित्व है, जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी का, तो उनकी प्रतिनिधित्व के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरे देश में अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं, अमेरिका में ही जा रहे हैं, जैसे रफाल डील ही है, तो इनको क्या करते हैं, वहाँ जा करके अगर मान लीजिए हम डील करते, तो उसके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री घूमने जाते हैं, ठीक है, तो जाते हैं तो हमारे देश की हेल्प, कल्याण के लिए जाते हैं, और देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है, और देश के प्रति सरकार के उत्तरदायी होना आवश्यक है। और जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार को नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अर्थात जब समाज में जो है ना, क्या होता है, बड़े जटिल होते हैं, जटिल माने काफ़ी कम कठिन हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें जो है ना, विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में आने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ, सरकार का समर्थन करने पर एवं उस पर अंकुश रखने हेतु होता है, और सरकार की तीन नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए है। अब देखिए, अब आपको जो है ना, ये क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा। देखिए, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे पहले हमें एक कोट पढ़ना चाहिए, ये है देखिए, COVID-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार, कैब, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोए। आई होप आप सब इसका पालन करेंगे। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। उत्तर, राजनीतिक, यहाँ जो है ना, राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, इसी आवश्यकता हो इसलिए होती है, पड़ती है, यहाँ आप है काट देंगे, राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, अर्थात प्रतिनिधित्व पर आधारित, जो प्रतिनिधित्व जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो प्रिंसिपल करते हैं, हमारे घर का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स करते हैं, उसी तरह हमारे देश का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और बड़े बड़े नेता करते हैं, ठीक है, तो देश का प्रतिनिधित्व मान सम्मान ऊपर ऊँचा उठाने के लिए ज़रूरत होता है। दूसरा सर, जब समाज भरे और जटिल भले और जटिल हो जाते हैं जब समाज भले और जटिल हो जाते, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। जब समाज भले, यहाँ भले लिखिएगा आप, ठीक है, ये आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जब समाज भले और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें मुद्दों पर अलग अलग विचारों और समेटने की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, थर्ड पॉइंट है, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी है। राजनीतिक दलों की के कार्यों की व्याख्या कीजिए, आप राजनीतिक दलों के कार्य को जो है ना, आप यहाँ से ये सारे लिख सकते हैं, ये सारे हैं, ठीक है, इसका मैंने आंसर भी लिखा, ये देखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य हैं, चुनाव लड़ना, अर्थात राजनीतिक दल लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं, जिससे जनता अपनी वोट देती है और वह राजनीतिक दल सरकार बनाती है, ठीक है। दूसरा है सरकार बनाना व चलाना, राजनीतिक दल सरकार बनाती है और लोकतंत्र में अपनी सरकार जनता के हित में चलाती है, ठीक है।
उसके बाद और पॉइंट देख सकते हैं यहाँ। राजनीतिक दल विपक्षी की भूमिका निभाते हैं, जब भी सरकार चुनी जाती है तो देश में एक चुनी हुई सरकार होती है, एक विपक्षी सरकार होती है। विपक्षी सरकार वह होती है जो हार जाती है, और चुनी हुई सरकार वह होती है जो भारी बहुमत से जीत जाती है, और हारी हुई सरकार विपक्ष का रोल अदा करती है, ठीक है। और उसके बाद सरकार ही राजनीतिक दल के कार्य है कि कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका होती है, जैसे देश हित के लिए लोकतंत्र और के कल्याण हेतु राजनीतिक दल अच्छे अच्छे कानून बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ देख सकते हैं, राजनीतिक दल के कार्य जनता का निर्माण करना होता है, अर्थात जनता के हित में काम करना होता है, जनता के हित में बराबर होना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, आप इसे अच्छे से देखिए, ठीक है। राजनीतिक दल विपक्षी की भूमिका, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, उत्तर आप सही से लिख लेंगे, उत्तर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ देखना क्या है, राजनीतिक दल को लोगों को एक ऐसा समूह, ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार और में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करती है। सामूहिक ही एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर 10 लोगों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं, और पार्टी समाज के विभिन्न किसी एक हिस्से से संबंधित होते हैं, इसीलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उनकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। और राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप इसका आंसर आपने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है, ठीक है दोस्तों, ये फिफ्थ मैंने लिखा गया, इसे आप फोर्थ कर देंगे, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है। राजनीतिक दल के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए और जो आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए आप भी अपना लिख सकते हैं, जो राजनीतिक दल यानी नेता आपके क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में आपको लिखना। तो मेरे क्षेत्र में क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ, जनता की मदद करते हैं नेता आकर के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सड़कों का निर्माण करते हैं, गलियों में गेट लगवाते हैं, गेट भी लगवा दिया है मेरे गली में भी, आपकी गली में भी लगवाया होगा, तो आप भी अपना लिख सकते हैं। और सरकार और बेसिकली नेता क्या क्या काम आपके इधर कर रहे हैं। उसके बाद सफाई, साफ सफाई का ध्यान रखना। उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगवाना, स्ट्रीट लाइट भी हमारे यहाँ गली में लगाया गया है, आपके यहाँ भी लगाया गया होगा। अब फंड्स प्राइवेट प्रोवाइड करना करना पार्क के लिए, जैसे पार्क के लिए फंड्स देना, ठीक है, ताकि पार्क की जो देख रेख हो सके, और इत्यादि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लिख सकते हैं, जो आपके नेता आपके क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं ताकि आपके वेलफेयर के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप क्या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।